Hey guys, welcome back to another vlog. आज मैं फिर से रिदा के घर आई हूँ और व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ बिकॉज रिदा रेडी हो रही है और मैं पहले से ही रेडी होके आ गई थी, यू कैन सी. और अब आज बहुत मज़ा आएगा इस व्लॉग में. आप लोग हमारे साथ रहिएगा और देखिएगा कि हम क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं. स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़. को शॉपिंग बैग्स मिल चुके हैं. उष्पा ने शॉपिंग कर ली है. उन्होंने शॉपिंग नहीं करी. बता रही तुमने शॉपिंग कर लिया. अच्छा. तो यहाँ आज गर्मी में उष्पा का शूट है. तो रोज़ी गर्मी होती है. हाँ, और माशाल्लाह से सुबह उष्पा का पेपर है और ये उसकी तैयारी हो रही है. खुदा के वास्ते ये उष्पा के पेपर की तैयारी हो रही है गाइस, आप देख सकते हैं. है ना, बायो का पेपर है. बायो गाइस, उष्पा अपने डायलॉग से आज कह दिया. बोला ये हमारी लोकेशन है सॉल्ट एंड पेपर. और उन्होंने बोला है कि आप अपने डायलॉग से याद करें और उस पर भी झूले ले रही हैं. आप देखें ज़रा. ठीक है, तो फिर मैं भी झूले पे बैठ जाती हूँ. ये बहुत नीचे बाना मेरे को. कौन सी शर्ट लेके गई है? वो पड़ी है ना, पिंक कलर वाली. गाइस काम चेक करें, अभी लाइमलाइट बंद है और ये मेरे को कैसे दिखा रही है? मेरे को इधर से आ रहा है. अरे एक्सक्यूज मी, शॉप के अंदर है. मैं वही तो कह रही, मैं रात को लेके जाऊंगी. किधर, कौन सी वाली है? उष्पा दिखाओ. ये पिंक. ओके गाइस, उष्पा की शूटिंग हो गया और मेरे को कोई जगह नहीं. पहले मैं उधर बैठी हुई थी, फिर मैं उधर बैठी हुई थी, फिर मैं इधर झूले की तरफ भी आके बैठी थी, अभी को मैं इधर आके बैठी हूँ. गाइस मैं धूप में बैठी हूँ, देखी हूँ. तो गाइस आप लोगों को पता है हम लोग सॉल्ट एंड पेपर आए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी जगह है शूट के लिए भी और खाने के लिए भी. वैसे मैंने इधर का व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन मैं स्पेशली आऊँगी, आपको आके दिखाऊँगी सॉल्ट एंड पेपर. और ये हक्की सेंटर के बिल्कुल साथ है. अगर आप शॉपिंग करने आए हो तो आप यहाँ खाना खाने आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है. ओके ओके गाइस, अभी इधर पे ब्रांड्स नहीं ओपन हुए. अगर ब्रांड्स ओपन हो जाएंगे तो मैं लाइमलाइट पे चले जाऊँगी, जाके शर्ट्स ले लूँगी, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी शर्ट्स आई हुई हैं. बहुत प्यारी प्यारी, आप लोग भी जाके देखें. और मेरे ख्याल से सेल भी लगी हुई है कुछ शर्ट्स पे, तो क्योंकि मैं तो बोर हो रही हूँ. मेरा गाइस बादल आ रहे हैं, आपको पता है. गाइस उष्पा के ना आज डायलॉग्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो बीच बीच में से बेचारी भूल जाती है, क्योंकि सुबह इसका एग्ज़ाम है और इसने एग्ज़ाम भी तैयार किया है और अब इसने बैठ के फॉरेन फॉरेन स्क्रिप्ट तैयार किया है, इसलिए वो बेचारी भूल जाती है. माइक दे दो बेटा. माइक दिखा. चल रहे, पसीना आया हुआ अंदर. हेलो हेलो, अंदर पसीना आया हुआ. देखो गाइस बेचारा माइक. हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं पीछे सारी. जी हमने ऑयल से कुछ लिया था, खैले से कुछ लिया था, एंड एल्क्रम एंड आइडियाज से कुछ लिया था. और 9 बजे गाइस सब कुछ बंद था, जो हम लोग खरीद सी जो लिए. हम लोग लाइम लाइट में घुस रहे थे, लेकिन वो हमें घुसने ही नहीं दे रहे. अच्छा, हालांकि लाइम लाइट ओपन हो गया था, लेकिन उन्होंने हमें अंदर ही आने दिया. उन्होंने बोला मैम आप 10 मिनट रुक जाएं. इसका शूट हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं. उष्पा का कहीं और भी शूट है, तो जाकर आपको दिखाते हैं. ओके गाइस, तो अब उष्पा का यहाँ पे शूट हो रहा है और उष्पा ने ड्रेस भी चेंज कर लिया. उसी तरह का कोई 25वां शूट हो रहा है और उष्पा को लाइन्स आ रही है.
थैंक यू सो मच मैम. नहीं नहीं थैंक यू, क्या बात है, तुम एक लाइक स्टूडेंट हो. उसी तरह मेहनत करना था क्या? उसी तरह दिल लगा के मेहनत करना. थोड़ा सा देखो ना, एंड हो रही है हमारी यहाँ पे वीडियो, आप उसमें जितना जान डालो उसमें. तुम एक लाइक स्टूडेंट हो, उसी तरह दिल लगा कर मेहनत करना था कि बहुत आगे जा सकते. पाकिस्तान का झंडा है कुछ बार की ना, कुछ 100-200 रिकॉर्ड करने के बाद एक क्लिप अच्छा आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत देर बाद आया लेकिन आ गया. गाइस अपनी पैकिंग कर दिया क्योंकि अभी हमने घर जाना है. ये और उषमा गाइस अपना मोबाइल भूल आई थी पहले, और इसने हमें बोला कि सॉल्ट एंड पेपर में रख. हम लोग जाने लगे थे, जाके देखा गाड़ी में मोबाइल पर आवा था. उससे पहले इसने मेरे को शो में जाके बोला हुआ था कि इसकी ग्लासेस रह गई हैं, ग्लासेस रह गई हैं, वो भी घर पर ही थी. चलिए उषमा. ओके मैंने अपना थैला पैक कर लिया और अभी हम जा रहे हैं. चलो चलो. अच्छा तो गाइस हम घर जाने लगे हैं. बहुत ज़्यादा प्यार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइएगा ताकि हम नए नए अच्छे अच्छे व्लॉग ला सकें. ओके अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.